जय स्वामीनारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री खेतेश्वर जी महाराज की जय। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर यह वीडियो। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो के माध्यम से। सनातन धर्म की यह जो एपिसोड है, सनातन धर्म के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सनातन धर्म के इस नए एपिसोड में पहुंच चुके थे अहमदाबाद से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक चारडोली स्थान है, जहां पर 52 एकड़ के परिसर में स्थित SGVP यानी कि श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यह एक इंटरनेशनल स्कूल जिसकी स्थापना 1999 यानी कि 1999 भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पश्चिम की समकालीन शिक्षा पद्धति और प्रौद्योगिकी के साथ मिक्सित करने की एक और पहल। SGVP इंटरनेशनल राजकोट स्थित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल का एक घटक संस्थान है, जो 1948 में सुप्रसिद्ध संत शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी 1901-1988 द्वारा भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रचार करने, मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा की समय सम्मानित यानी कि भारत की जो गुरुकुल प्रणाली है उसको संरक्षित करने के लिए गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। ट्रस्ट का पहला गुरुकुल स्कूल 1948 में राजकोट में शुरू किया गया था, जिसमें 7 छात्र नामांकित थे। वर्तमान में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल क्षेत्र देश भर में 10 स्कूल चलाता है, जिसमें कुल 2,850 छात्र नामांकित हैं। इस बीच में आपको बताना चाहूंगा दर्शक मित्रों, आज SGVP गुरुकुल में श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम आसोत्रा राजस्थान से पूज्य गुरुदेव वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज स्वयं पधारे हैं। तो दर्शक मित्रों, आज उनके साथ आज हम आपको पूरे SGVP गुरुकुल का भ्रमण करवाएंगे और आपको पूरा जानकारी भी देंगे इस गुरुकुल के बारे में, किस तरह की यहाँ की शिक्षा प्रणाली है, यहाँ का जो अनुशासन जो है भारतीय सनातन संस्कृति के तहत यहाँ पर जो सिस्टम है पूरा, वो सारा आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो है, अभी दोपहर का समय है तो सभी लोग जो बच्चे हैं यहाँ पर भोजन प्रसाद का जो है आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर शिष्टाचार्य देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वाह, इनकी स्माइल, इनके चेहरे की जो स्माइल है, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, काफ़ी प्यारी लग रही है। और सभी बच्चे एकदम शिष्टाचार से, एकदम सनातन संस्कृति के अनुसार एकदम लाइन से बैठे हैं और पूरे मतलब जो है शिष्टाचार से भोजन प्रसाद का जो है आनंद ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जो है यहाँ पर जो डाइनिंग हॉल है इसमें पूरा जायजा लेते हुए, पूज्य गुरुदेव के साथ में भावी भक्तगण सभी यहाँ पर अहमदाबाद से पधारे हुए उनके साथ। दर्शक मित्रों, मैं जितेंद्र सोनी और आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आकर मुझे काफी अच्छा लगा। बच्चों का जो शिष्टाचार है, कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वाकई में बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों के अंदर भगवान रब स्वयं बसता है। तो बच्चों के साथ यार मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, और दर्शक मित्र मैं जानना चाहूँगा कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना दोस्तों, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और कमेंट में जय श्री खेतेश्वर महाराज जी ज़रूर लिखना। तो यह SGVP का जो है स्वामीनारायण गुरुकुल अहमदाबाद का बहुत ही शानदार बना हुआ है, और अभी इसमें आगे की ओर गुरुजी पूज्य गुरुदेव जी महाराज के साथ हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे और आपको आगे और दिखाएंगे कि इस गुरुकुल में और क्या क्या है। जैसे कि इस बार फ्रेम में आप देख पा रहे, ये सारे कपड़े जो वस्त्र है, तो लगभग एक सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि यहाँ पर 800 से 1200 छात्र है टोटल। तो उन बच्चों के जो वस्त्र होते हैं उनमें यहाँ पर कोड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक टोकन कोड इस पर जारी किया होता है, जिससे कि बच्चों के नंबर होते हैं उस हिसाब से उनको पोशाक मिलती है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है कपड़े धोने की, प्रेस की, कपड़े सुखाने की वगैरह। तो यहाँ पर जो सर है हमारे साथ, वो पूरे पूज्य गुरुदेव जी को है पूरा ब्यौरा देते हुए, पूरी जानकारी देते हुए किस तरह से मैनेजमेंट जो है कपड़ों का वगैरह यहाँ पर संभाला जाता है। और यहाँ पर बच्चे देखिए, अभी जो आप देखें, आपने वीडियो में आगे देखा होगा, जो बच्चे वगैरह जब वहाँ पर भोजन प्रसाद ले रहे थे उसके वापस अपने क्लासरूम की ओर प्रस्थान करते हुए पूरा लाइन से एक शिष्टाचार से चलते हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ पर अभी हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं स्विमिंग पूल पर, ये स्विमिंग पूल भी अंदर बना हुआ है।
प्रकृति की गोद में, यानी कि पूरा नेचर के साथ में कनेक्टिविटी है, एकदम शांत और सौम्य वातावरण है यहाँ पर। तो पूज्य गुरुदेव जी के साथ में बहुत ही शानदार, मुझे भी अवलोकन करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है पूरा यहाँ का, एक एक जानकारी एक एक डिटेल्स में आगे आपको लेकर चलेंगे। गौशाला वगैरह भी है, अश्व यानी कि हॉर्स वगैरह राइड का वगैरह भी यहाँ पर प्रावधान है, कुछ मंकीज वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो वानर सेना हमारे हनुमान दादा की, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। तो वानर सेना यहाँ पर उछल कूद करते हुए बहुत ही शानदार प्रकृति का जो नेचर का जो समन्वय है बहुत ही शानदार। स्कूल की बस भी है यहाँ से, स्कूल बस की सुविधा भी है और काफ़ी सारे छात्र वगैरह यहाँ पर शिष्टाचार से यहाँ पर टीचर वगैरह उनको जो पूरा गाइड करते हुए अभी आपको लेकर चलेंगे आगे। कुछ क्लासरूम में भी हालांकि एक सिस्टम माने कि शिष्टाचार की अगर हम बात करें तो शिष्टाचार से हमें भी पेश आना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं जेके मथुरिया आपको पूरा जो है कुछ क्लासेस चालू होगी तो हम बीच में क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे और पूरा आपको जो है SGVP सद्विद्या विहार भवनम, SGVP सद्विद्या भवनों के अंदर प्रवेश करते हुए देखिए लाइन से सारे छात्र जो है प्रवेश करते हुए शिष्टाचार आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार देखने, बच्चे सब मुंह पर उंगली रखे हुए मतलब एकदम साइलेंट मोड में चल रहे हैं, तो टीचर जैसा इन्हें आगे गाइड करते हुए बिल्कुल। और यहाँ पर आप दर्शन करेंगे विद्या की देवी यानी कि सरस्वती देवी माता जी के दर्शन, जय सरस्वती माता की। और यहाँ पर चिल्ड्रन प्ले एरिया यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं नन्ही साइज के यानी कि KG 1-2 में जो पढ़ते हैं उनके लिए चिल्ड्रन प्ले एरियाज भी है। यहाँ पर एक क्लासरूम में हम प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ पर शिक्षक वगैरह जो है टीचर वगैरह जो है पूज्य गुरुदेव जी के साथ में जो है यहाँ के गुरुकुल के बारे में बातचीत करते हुए जानकारी प्राप्त करते हुए। कमेंट में जय श्री खेतेश्वर जी महाराज की जरूर लिखेगा दोस्तों, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुरुकुल का बहुत ही शानदार विहंगम दृश्य यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार और काफ़ी बड़ी साइज में यानी कि बिग साइज में ये पूरा 52 एकड़ ज़मीन में पूरा ये बना हुआ है। पूज्य गुरुदेव के साथ में जो है भाभी मेहमान जो पधारे थे अहमदाबाद से हमारे, उन्होंने फोटोग्राफी किया। यहाँ पे एक सनातन संस्कृति का जो चिन्ह स्तंभ यहाँ पे आप जिसके आप दर्शन कर पाए होंगे, और पूरा एकदम ये देखिए पूरा एकदम प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह जो गुरुकुल है एक अलग ही आनंद एक अलग ही अद्भुत एहसास होता है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ गौशाला का भी निर्माण है जिसमें गौ माताएं हैं, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जो है गौशाला के भ्रमण करते हुए गौशाला के बारे में जानकारी पूरा अर्पित करते हुए। कमेंट में जय गौ माता की अवश्य लिखिएगा, गौ माता जो है गौ माता के अंदर साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं विराजमान है ऐसा हमारे सनातन संस्कृति में उल्लेख है। तो कमेंट में गौ माता की अवश्य लिखिए। उसके बाद हम पहुंच चुके थे अश्व यानी कि जो घोड़े वगैरह जो होते हैं हॉर्स वगैरह उसके लिए पूरा अश्व बना हुआ है उनका, तो वहाँ पर आपको जानकारी देंगे अश्व के बारे में। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जो है यहाँ पर एक मित्र है वो पूरा अश्व के बारे में जानकारी देंगे। ये जो अश्व आप देख रहे हैं इसका नाम मयूर ध्वज है, बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा और काफ़ी इसकी हाइट बॉडीज वगैरह आप देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार है। यह हॉर्स पूज्य गुरुदेव जो है यहाँ पर हॉर्स को सहलाते हुए बड़े ही प्यार के साथ में बड़ी विनम्रता के साथ एक अलग ही अद्भुत पल का एहसास यहाँ पर।
जय श्री राम प्रभु, हर हर महादेव, जय शिवा। जो देखने का है वगैरह फोटो बोटा बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हॉर्स के आपको फोटो वगैरह देखने हैं तो सर की जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पे जाके आप देख सकते हैं। एक बार अपने इंस्टाग्राम आईडी का नाम बता दीजिए। सुखदेव साधु वन नंबर है, सुखदेव साधु करेगा तो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। इस हॉर्स के बारे में मयूर ध्वज जो हॉर्स है इसकी बहुत सारी डिटेल्स में आपको जानकारी फोटोज वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। मैं टाइम लेके और आऊंगा, फिर आपसे संपर्क करूंगा यहाँ पूरा डिटेल्स में। अभी जो है आपको थोड़ा सा इसका जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे। ओके रेडी। तो ये देखिए अभी आपको जो है परफॉर्मेंस, जो मयूर ध्वज का जो परफॉर्मेंस है ये देखिए भाई साहब, माइंड ब्लोइंग। देखिए अच्छा आपके सर पूरा, आप ट्रेनर मेरा पूरा ट्रेनिंग, आप यही विराजमान है सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं घोड़े का ट्रेनिंग भी करता हूँ। श्री हरिहर कामधेनु गौशाला। जी हाँ दर्शक मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर श्री हरिहर कामधेनु गौशाला। हमारे साथ हैं हमारे परम मित्र डॉक्टर मोती सिंह जी राज पुरोहित, फाउंडर ऑफ खेतेश्वर रुद्राक्ष। इस वक्त हमारे साथ है, पूरा जानकारी दे रहे हैं एसजीवीपी गौशाला के बारे में और पूज्य गुरुदेव यहाँ पर गौशाला का अवलोकन करते हुए गौ माता के बारे में बहुत ही शानदार यहाँ पर बड़े विस्तार से बताया गया है। और ये जो गौशाला है दोस्तों, ये काफ़ी पहले इसका निर्माण हुआ था। जब इस गौशाला की नींव रखी गई थी तब हाल के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो स्वयं यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने इस गौशाला की नींव रखी थी, ओपनिंग किया था यानी कि मुहूर्त किया था। यहाँ की गाय की विशेषता यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर मतलब 90% जो है गीर गाय यहाँ पर उपलब्ध है। गीर गाय की विशेषता बहुत ही, आप खुद जानकार हो तो आपको पता ही होगा, गीर गाय का बड़ा महत्व है हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में। गीर गाय अपने आप में एक अलग ही प्रकार की गाय होती है जिसकी दूध की कैपेसिटी और काफ़ी सारी विशेषता रहती है। उसके बाद जो है गौ माता का जो फूड वगैरह होता है यानी कि गौ का जो गौ माता का खाना वगैरह, उसका अवलोकन करते हुए जय गौ माता की, कमेंट में जय श्री गौ माता की अवश्य लिखेगा दर्शक मित्रों। तो दर्शक मित्रों यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको पूरा बताया। और ये देखिए यहाँ पर गुरु जी महाराज का एक शिष्य यहाँ पर पधार चुके थे पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। तो आप भी जो है कमेंट में जय श्री खेतेश्वर जी महाराज की अवश्य लिखिएगा दर्शक मित्रों। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी हमारे सनातन धर्म के ग्रुप है उसमें सब में यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का अगला पार्ट और आएगा, सेकंड पार्ट, जिसमें दूसरा गुरुकुल है जो कि मैम नगर अहमदाबाद में स्थित है, वहाँ का भी हम अवलोकन करेंगे पूज्य गुरुदेव जी के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री खेतेश्वर जी महाराज की जय, स्वामी नारायण।